इधर से ही हम लोगों को राजरप्पा के लिए घुसना है। एक ही पूरा घाटी के बीच में ये मंदिर है। देखिए यहाँ पे प्रवेश द्वार। तो अगर आप ऐसे वहाँ पे गाड़ी रोक लिया जाता, अगर आप गाइड का हेल्प लेते हैं, तो देखिए हमारे गाइड आगे आगे बाइक से जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं हम लोगों को, नहीं तो फिर आपको गाड़ी अलाउ नहीं है अंदर, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर पे रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम है, तो हम लोग गाइड का हेल्प लिए। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको रजरप्पा ले आई हूँ और रजरप्पा मंदिर का पूरा दर्शन कराऊंगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए प्रसाद का दुकान दोनों पट्टी लगा हुआ है, आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये पहाड़ों पर बसा हुआ ये मंदिर है और तकरीबन ये रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और दुमका से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ये रजरप्पा मंदिर है, जो झारखंड राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है रजरप्पा। और यहाँ पे छिन्नमस्तिका माँ का प्रतिमा है और यह मंदिर झारखंड राज्य में स्थित है। तरह से कुछ दृश्य इस तरह से है, जैसे कि हर एक धार्मिक स्थल में रहता है उसी टाइप से ही है। और अंदर है यहाँ से, और यहाँ पे बाबू को हम लोग बंधवा रहे हैं। यहाँ पे मिष्टी और मोना को माँ का चलो बोलो ना। देखिए काफी भीड़ है, यहाँ लाइन लगना पड़ता है। सर लाइन में लगेगा? हाँ तुम ही दी करी ना, इसलिए तो बाहर से यहाँ पे प्रणाम करके आप ये कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ दर्शन करेंगे, तो हम लोग यहीं से प्रणाम करेंगे। माँ का चुंदरी चढ़ा रहे हैं सबको, जिनका मन्नत होता है मन्नत मांग सकते हैं। और यहाँ पे अपना अपना मन्नत के अनुसार चुंदरी बांधा जाता है। यहाँ का मेन प्रसादी है नारियल, पेड़ा और चुनरी। मेन मंदिर पीछे साइड है, तो वो दिखाऊंगी, उधर ले जाऊंगी अभी। तो दोस्तों देख रहे हैं वो जो कलरफुल मंदिर है, वो आपको दिख रहा होगा, वो मेन मंदिर है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लाइन लगती हूँ तो तकरीबन 5 बज जाएगा, अभी बज रहे 2, तो वहाँ कम से कम दर्शन करने में 4-5 घंटा लग जाएगा। और इसीलिए यहीं पे देखिए पंडित जी लोग संकल्प करा के यहीं पे पूजा करवा रहे हैं, और काफ़ी लंबा लाइन है। तो जब मैं पहले आई थी तो ये सिस्टम नहीं था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, मैं पहले आ चुकी हूँ, तो अभी तो सिस्टम थोड़ा बदल गया है 10 सालों में। तो यहाँ पे अभी मेन मंदिर घुसने के लिए, आपको दिखाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन देखिए कोशिश करूंगी कि दिखा सकूं। तो वो देखिए वहाँ पे तीन चार छोटे छोटे मंदिर बने हुए जो कलरफुल है, वही है मेन मंदिर। तो जिसमें माँ का सर कटा है छिन्नमस्तिका, तो भीड़ काफी अंदर देख सक रहे होंगे, काफी अंदर भीड़ है। 4-5 घंटा लाइन पे लगना पड़ेगा तो ही पूजा अर्चना हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं वो,
तो कोशिश करूंगी कि फिर कभी दोबारा यहाँ पे मैं लाऊं और आपको यहाँ का पूरा मंदिर का दर्शन कराऊं। तो फिलहाल तो इतना ही हो सकता है फ्रेंड। इधर देखिए लाइन लगा हुआ है, यहाँ से लाइन लगते हुए आपको फिर वहाँ जाना है वो साइड। इसके बाद आपको श्रद्धालु देखिए, अभी भी श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रणाम करो मिस्टर, प्रणाम दोनों हाथ से प्रणाम करो ठीक से। तो हम लोग मैं कोशिश की, सोची मैं रात को पूरा अंदर का दर्शन करा दूं, लेकिन फ्रेंड नहीं पॉसिबल है। आप देखते हैं काफी भीड़ है। फ्रेंड मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ कि लाइन कितना लंबा रहता है। देखिए लाइन कम से कम आपको दर्शन के लिए 4 से 5 घंटा लाइन लगना पड़ेगा। और अगर पूजा करना है तो सुबह आप आ जाइए तो भी आपका पूजा हो सकता है, अदरवाइज आप इस टाइम आते हैं तो बाहर से दर्शन कर सकते हैं। लाइन एक बार आप पूरा दिखा रही हूँ तो देखिए दोस्तों लाइन काफी लंबा है। तो फ्रेंड आपको मैं दिखाई कि लाइन कितना लंबा है, किस तरह से आपको लाइन लगाएंगे तो ही हो सकता है। और सामने देखिए खूबसूरत सा एक मंदिर है, और ये जो नदी है दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर ये राजरप्पा मंदिर छिन्नमस्तिका का है, जो रजरप्पा में स्थित है माँ छिन्नमस्तिका का ये मंदिर। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये मंदिर है, देखिए नदी। और धीरे धीरे मिस्टी पूरा नीचे फोकस करना बेटा। हाँ तुम आराम से, धीरे धीरे आराम से इधर पकड़, हम देख रहे आराम से आओ। देखिए फ्रेंड अभी हम लोग नाव पे चलेंगे और मिस्टी दीदी लोग सब उतर रही है, अभी मैं भी नीचे जा रही हूँ। अभी हम लोग बैठ गए हैं नाव में, तो धूप आ रहा है, फोटो नहीं दिख। देख मिस्टी मजा आ रहा है, मौसा जी फोटो खींचे। तो फर्स्ट टाइम मैं नाव में बैठ रही हूँ, मिस्टी भी फर्स्ट टाइम दोस्तों नाव में बैठ रही है। उसको बोट नहीं बोलते हैं, जो पैर चलाते उसको बोट नहीं बोलते। अच्छा अच्छा बोट ना जो भी है, पहली बार मैं बैठी हूँ, पहली बार बैठी हूँ तो हम लोग वाइट है, पानी वहाँ से आ रहा है, डर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोगों के साथ बोटिंग का आनंद लीजिए। हाँ देंगे अंकल देंगे। बोलो वाह कितना खुश लग रहा है दोस्तों, देखिए कौन है, तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा है। खूबसूरत दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है चट्टान के दोनों तरफ।
चट्टानों के बीच जाता था सिचुएशन। हम लोग जा रहे हैं, काफी आनंद लग रहा है, आनंद आ रहा है सच में, बहुत खूबसूरत। बहुत गहरा होगा ना भैया, 15 फीट तक पानी आते रहता है इसमें। बरसात के मौसम में पूरा फैल जाता है, जितना पत्थर दिख रहा है ना एक भी नहीं दिख रहा। तो चलाते हैं आप लोग बरसात में? बरसात में रिक्स हो जाता है ना, यानी दोस्तों बरसात में यहाँ पे रिक्स हो जाता है। तो भैया बरसात में यहाँ पे बोटिंग बंद रहता है, नहीं लाते हैं, तो हम लोग यानी सही टाइम में आए हैं। तो दोस्तों एक बार राजरप्पा आइए और नौका बिहार का आनंद लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इसी पे पूरा माँ का जो लाइन लगा पूजा करने के लिए वो आवाज गूंज रहा होगा आप देखिए। और यहाँ काफी भीड़ है, यहाँ से पूरा राउंड राउंड लगता है। एकदम मैंने बासुकीनाथ में जो इस तरह से है ना, इसी तरह बना हुआ है। बाबू बाबू तो पीछे मंदिर देखिए, देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों एकदम झरना बह रहा है, वाह कितना खूबसूरत, वाह ओह माय गॉड, अरे वाह ज़्यादा मज़ा आई है। टाइगर वगैरह वाह, ये तो मतलब छोड़ दो, उनको छोड़ दो, नहीं सुना है, सुना नहीं है, पानी गहरा खींच लेगा। तो देखिए दोस्तों झरना कितना खूबसूरत लग रहा है, हम लोग झरना के बहुत पास आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ फोटो खिंचाने वाले हैं। यहाँ पे बले भी पड़ता है। ये दोस्तों सूर्य मंदिर है, एक बार आप लोगों को सूर्य मंदिर का दर्शन भी करा दूं। दीदी यहाँ प्रणाम कर रही है। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड ये चूड़ी लिए, देखिए चूड़ी लेके मैं, अगर आप फ्रेंड यहाँ पे मंगलवार और बृहस्पतिवार को आते हैं तो पूजा जैसे कि सुनने में आया कि आप आसानी से कर सकते हैं, और दूसरे दिन आइएगा तो भीड़ काफ़ी रहता है। और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, उसका रीज़न है कि आज मुंडन का तिथि है इसीलिए काफ़ी भीड़ है।
तो मंगल और बृहस्पति दो दिन आप आइए तो बिना लाइन का आप आराम से पूजा कर सकते हैं। तो आज तो हम लोग का पूजा हुआ नहीं क्योंकि मंडन का तिथि है, तो सिर्फ हम लोग दर्शन किए और चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आज का ये ब्लॉग आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने ब्लॉग को मैं ही फ्रेंड करती हूँ। फ्रेंड धन्यवाद। चटर्जी होटल में यहाँ पे खाएंगे खाना।